subscribe button, and don't forget to press the bell icon to get new updates. जो मैंने अनुलोक प्रेस करा था, मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ रूबिक्स क्यूब का। जो अनुलोक प्रेस किया था उसके अंदर एक क्या था, एक गिमिक था जो मैंने प्रिंट आउट निकाला था, वो ये है। अब आपको क्या करना है, एक रूबिक्स क्यूब के प्रिंट आउट लेने हैं। एक पार्ट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब मैंने इसको एक नॉर्मल रूबिक्स क्यूब लिया था और यहाँ पे मैंने टेपिंग कर रखी है, अंदर से चिपका रखा है। ये इस तरह से यहाँ पे लग के टेप लग जाएगी वो, तो ये भी कवर हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा आपको टेप लगी हुई है, इसको मैं चिपका लेता हूँ। इस तरह से चिपका रखा था मैंने, और ये रूबिक्स क्यूब इस तरह से इसमें जाएगा। अभी तो एक क्रश हो चुका है इसलिए आपको लग रहा है, और इस तरह से एक रूबिक्स क्यूब दिखेगा। जो ओरिजिनल रूबिक्स क्यूब वो इसके अंदर होगा। तरह से इसको रूबिक्स क्यूब, ओरिजिनल रूबिक्स क्यूब को यहाँ रखना है इसके अंदर, और ये इस तरह से दिखेगा आपको। एक नॉर्मल रूबिक्स क्यूब है जो सॉल्व नहीं है, ये आप इसको दिखा सकते हो आगे पीछे से कहीं से भी। और एक ये एनवेलप लेना है कोई भी, उसको दिखाना है एनवेलप को खाली। इस तरह से खाली दिखाया आपने, रूबिक्स क्यूब लेना है और इसके अंदर डालना है रूबिक्स क्यूब को, और शेक करना है। और इंटरेस्टिंग जब लगेगा थोड़ा आप इसको, इसमें टाइम लोगे और रूबिक्स क्यूब को इस तरह से निकालोगे तो ऐसे लगेगा एक सॉल्व हो गया एक रूबिक्स क्यूब। और जो एनवेलप है इसको प्रेस कर सकते हैं आप। आपको मेरा मैजिक अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और I'm sorry.